आज का टॉपिक अस्थमा और सांस के मरीजों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उन्हें रात में नींद नहीं आती। तो जीवन आयुर्वेदा में आपको कुछ आसान से नेचुरल उपाय बताएंगे। वीडियो में बने रहें आप। मेरा नाम है मेघा, हाथ जोड़कर सभी को नमस्कार। अस्थमा सांस की बीमारी और COPD से पीड़ित लोगों को रात में नींद नहीं आती। ऐसे लोगों की नींद बार बार खुलती है और कई बार तो ये सोते सोते जग जाते हैं। फिर नींद में रुकावट की वजह से पूरे दिन सुस्ती रहती है, आलस छाया रहता है और ये फिर चिड़चिड़े हो जाते हैं। COPD और अस्थमा दोनों के लक्षण एक होते हैं, जैसे खांसी, घरघराहट, सांस फूलना, नाक बंद होना, सीने में जलन, और इन्हीं की वजह से फिर रात को नींद नहीं आती। तो चलिए जान लेते हैं भाई गहरी नींद कैसे लें। सबसे पहले तो आप अपनी लाइफस्टाइल में थोड़ा सा बदलाव कर लें। अपनी सांस लेने की टेक्निक पर ध्यान दें। हर्बल चीज़ों का इस्तेमाल करें जिससे आपको रात में चैन की नींद आए। हेल्दी डाइट लें। अच्छी नींद के लिए दिन में आप हेल्दी डाइट लें, जैसे फल, सब्जियाँ, साबुत अनाज, प्रोटीन वाली चीज़ें ज़्यादा खाएं। इससे आपके फेफड़े हेल्दी रहेंगे। खुद को हाइड्रेट रखें। पूरे दिन आप अच्छे से भरपूर मात्रा में पानी पिएं या फिर लिक्विड डाइट लें। इससे आपकी बॉडी डिटॉक्स रहेगी और अच्छी नींद के लिए आपको हाइड्रेट रहना बहुत ज़रूरी है। नींद का कनेक्शन आपके फिजिकल एक्टिविटी से भी है। कभी आप नोटिस करना, जब आप बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी करते हो जिसमें आपका शरीर इस्तेमाल हो, तो आपको बहुत अच्छी नींद आती है रात को। इसीलिए आप फेफड़ों की एक्सरसाइज ज़रूर करें। फेफड़ों के व्यायाम से उनकी कार्यक्षमता बढ़ती है और फिर अच्छी नींद आती है। इसके लिए आप गहरी और फेफड़ों में भरकर सांस लेना शुरू करें। रात में नाक बंद होने के कारण नींद टूट जाती है, ऐसे में सोने से पहले आप भाप जरूर ले लें। आप चाहें तो गर्म पानी में नीलगिरी के तेल की कुछ बूंदें डाल दें। हर्बल चाय भी पी सकते हैं आप। रात में सोने से पहले आप कोई भी हर्बल टी, जैसे अदरक मुलेठी वाली चाय, इसे पी सकते हैं। इससे सांस की समस्या दूर हो जाएगी और अच्छी नींद आएगी। अस्थमा के मरीज को अक्सर कहा जाता है कि धुएं और प्रदूषण वाली जगह से वो दूर रहे, और आजकल तो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है। इससे बचने के लिए आप मास्क लगाकर बाहर निकलें, सिगरेट के धुएं से भी बहुत दूर रहें। ये जानकारी आप तक विभिन्न आलेखों द्वारा पहुँचाई गई है। और अगर आपकी अस्थमा की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ गई है तो आप डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट करें। नमस्कार।